गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज है दोस्तों 6 फरवरी 2019 और 6 फरवरी 2019 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए डालता हूँ उनकी सभी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। हमारा जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बोनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? तो भी हाल ही में नासा की एक दूरबीन खोजी गई है जिसका नाम दिया गया है बेदिन फर्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है आपका वो सही है। नासा ने ये बेदिन फर्स्ट दूरबीन खोजी है। यह 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी बताई जा रही है, इसकी याद रखिएगा, 3 करोड़ प्रकाश वर्ष। अच्छा, मुझे आप एक बात बता सकते हो कमेंट में लिख के कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितने के बराबर होती है आप बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के, अगर आपको पता है तो। अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ भी सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट में आप लिख के मुझे पूछ सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की किस हिंदू महिला उम्मीदवार ने हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में अमेरिकी एक हिंदू उम्मीदवार महिला है जिसने 2020 के अमेरिकी चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनका नाम है तुलसी गेबार्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है तुलसी गेबार्ड और इन्होंने 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गेबार्ड ने आधिकारिक रूप से 2020 का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अच्छा, ये अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की करेंसी है आपकी डॉलर और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में चल रहे एडोन सल्फान आंदोलन को हाल ही में समाप्त करने की घोषणा की दी गई है? यानी हाल ही में जो ये आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है वो की है केरल राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है आपका वो सही है। एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है, आपको पता होना चाहिए, और बच्चों में इसी कीटनाशक के संपर्क में आने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी जो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, साथ ही बच्चों में जन्मजात विकृति, विकलांगता जैसी चीज़ें पाई जाती है, इस वजह से एंडोसल्फान आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है केरल राज्य ने। अच्छा, बात केरल की हुई है तो ये मैप में देखिएगा आप, केरल केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल का नाम है पी सत्यशिवम। अच्छा, केरल भारत का ऐसा राज्य है जिसके अंदर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे पहला इसके अंदर है आपका कोझिकोड, दूसरा आपका है कन्नूर, तीसरा कन्नूर कोझिकोड, तीसरा है आपका इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम और चौथा है आपका कोची, ठीक है, कोचिन। 4 एयरपोर्ट वाला इंटरनेशनल एकमात्र भारत का राज्य, मसालों का राजा बोला जाता है। अच्छा, जब भी केरल की बात आती तो एक बात और भी याद रखिएगा, यहाँ पे है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और यहाँ पे है शांत घाटी भी। और एक बात और, भारत में सबसे पहले मानसून केरल में आता है 1 जून को आता है, याद रखिएगा 1 जून को सबसे पहले केरल में मानसून आता है जिसे मानसून विस्फोट या मानसून प्रस्फोट की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि केरल में किस जगह पे मॉनसून आता है, कौन सा तट है वो जिस पे मॉनसून सबसे पहले आता है? चलिएगा, इतना हमें केरल से याद रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 फरवरी 2019 को देश के जाने माने कितने कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे? तो अभी राष्ट्रपति आज ही के दिन यानी कि 6 फरवरी 2019 को देश के 42 जाने माने कलाकारों को सम्मानित करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति और यही 42 कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगे।
इस पुरस्कार में क्या होगा, 1 लाख रुपए का चेक होगा और साथ में प्रतीक चिन्ह भी दिए जाएंगे। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान देश का राजकोषीय घाटा कितने लाख करोड़ रुपए का रहा, जो बजट में निर्धारित लक्ष्य का 112.4% है। तो राजकीय घाटा रहा है इस बार का हमारा वो 7.01 लाख करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। ये कहा गया है कि इससे पहले अप्रैल नवंबर अवधि के दौरान ये आंकड़ा बजटीय लक्ष्य का 115% था, लेकिन वर्तमान में ये 112.04% रहा है आपका। अच्छा, बात आई है ये बजट से, तो याद रखिएगा इस बार का बजट किसने पेश किया है, हमारे अल्पकालीन वित्त मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। ये हमारे भारत में 4 मंत्रालय इन्हीं के पास में है। सबसे पहले इनके पास में कोल डिपार्टमेंट है या कोयला मंत्रालय है, एक इनके पास में कॉरपोरेट मंत्रालय भी है, एक इनके पास में रेल मंत्रालय भी है और चौथा इनके पास में कॉरपोरेट मंत्रालय भी है। याद रखिए, सॉरी, कॉरपोरेट हो गया, रेल हो गया, कोयला मंत्रालय हो गया आपका, और कोयला है, रेल है, कॉरपोरेट है, ठीक है, इतने मंत्रालय हैं इनके पास में आपके। तो 4 मंत्रालय है, अब चौथा आपका वित्त मंत्रालय जो अल्पकालीन के रूप में आपका, ठीक है, कोयला, कॉरपोरेट, रेट और वित्त मंत्रालय आपका, इतना हमें याद रखना है। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन रहे थे, तो उनका नाम था जॉन मथाई, इतना भी हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदानों में जमीन के नीचे सुबह 6 बजे से शाम कितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी है। तो ये दी है केंद्र सरकार ने शाम को 7 बजे तक की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। महिलाओं को सिर्फ तकनीकी सुपरवाइजर और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और महिलाओं को शाम को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खाद्यान्नों में जमीन के नीचे काम करने के लिए सरकारी नियम बनाए गए हैं, इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार वचन पत्र के वादों पर अमल करते हुए उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पोषित उद्योगों में कितने प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। तो वो किया है इन्होंने 70% रोजगार अनिवार्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार वचन पत्र के वादों पर अमल, वचन पत्र का वादा मतलब ये है, इनका चुनावी वादा था ये कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पोषित उद्योगों में, पोषित उद्योग मतलब जो अभी बहुत ही वेल तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ के उद्योग, और उन उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य किया है जो वहाँ के लोकल है। ये मुद्दा थोड़ा टाइम पहले पे भी आया था कि इन्होंने, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि जो राज्य का है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, दूसरे राज्यों को बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये उसी हिसाब से स्थानीय लोगों को 30% कोटा दिया गया है और दूसरे राज्यों को है उनको 30% कोटा दिया गया, जो बच गया 70% इनका है, 30% बाहर के राज्यों का रहेगा आपका। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो ये मैप में देखिएगा आप, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, यही है वो कमलनाथ जिन्होंने ही ये कोटा शुरू किया है, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो एक बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया प्रदेश, ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन यहीं पे ही होता है मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा एसटी भी है, अनुसूचित जनजाति भी सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। भोपाल और इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश में इंदौर शहर 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 है, नंबर 2 पे भोपाल और नंबर 3 पे हमारी हरियाणा और पंजाब की राजधानी है वो चंडीगढ़ है, इतना हमें याद रखना है मध्य प्रदेश से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कनेडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है जस्टिन ट्रूडो, ने राजनीतिक, आर्थिक व मानवीय संकट से ग्रस्त वेनेजुएला को कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में वेनेजुएला को 286 करोड़ रुपए देने की, आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। 286 करोड़ रुपए से क्या होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैदुरो और विपक्ष के बीच सत्ता को लेकर गतिरोध चल रहा है, इस गतिरोध को कुछ उभारा जा सकता है, ठीक है,
वो याद रखिएगा। अच्छा, एक वेनेजुएला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वेनेजुएला ने अमेरिका के सभी प्रकार राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं, वो भी आप याद रखिएगा। और अमेरिका ने भी जवाब में वेनेजुएला की कुछ सारी फैक्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया है। अच्छा, बात वेनेजुएला की हो रही है तो ये मैप में देखिएगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला की जो राजधानी है वो क्राकस है, और वेनेजुएला की ऑफिशियल करेंसी है वो वेनेजुएल बोलीवर है, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मैदुरो। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लड़कियों सहित 325 बच्चों को ऑपरेशन स्माइल के तहत कितने बच्चों कहाँ पे बचाया गया है, जिसे 1 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ये 1 जनवरी 2019 को ऑपरेशन स्माइल लॉन्च हुआ था और ये बचाया गया है हैदराबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही है। ये लक्ष्य क्या है इन बच्चों को बचाना, जो बच्चे भीख मांगते हैं इनकी भीख छुड़वाना, और ये स्कूल जा सके पढ़ सके इनके लिए कुछ ज़रूरी नियम बनाना या इनकी मदद करना, ये काम किया है हैदराबाद ने। अच्छा, बात हैदराबाद की हो रही है तो हैदराबाद वर्तमान में भारत के 2 राज्यों की राजधानी है। एक हमारे भारत की राजधानी है तेलंगाना की, ठीक है, और दूसरी हमारी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की आने वाले समय में यानी कि 2 जून 2024 में इसकी राजधानी जो बनेगी उसका नाम होगा अमरावती, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अच्छा, हाल ही में भारत का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है आंध्र प्रदेश में, और वो भी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2019 को नया 25वां हाई कोर्ट खोला गया था। क्या आप मुझे बता सकते हो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हाई कोर्ट भी खोला है, तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं बी थोटाथिल राधा कृष्णन, उनका नाम है आपका। आप मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइएगा। चलिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा, हैदराबाद को बोलते हैं भारत के अंडों की टोकरी, और एशिया के अंडों की टोकरी है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, इतनी बात भी हमें याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो पूर्व मेयर नायब बुकले ने अल सल्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यही है आपके नायब बुकले जो कि बने हैं अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। ये जो आपको मैप में दिख रहा है यही वो देश है अल सल्वाडोर, और इनके ये राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ की राजधानी है सैन सल्वाडोर, और यहाँ की जो करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है, याद रखिएगा। 1 जून 2019 को राष्ट्रपति कुर्सी ग्रहण करनी है इन्होंने, ठीक है। तब तक के आपके जो पहले के राष्ट्रपति है उनका नाम है सेचेन सेरेन, उनकी ये जगह लेंगे, तब तक वो काम करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा ने किसान बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा कि मुफ्त में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पहला क्या है, दूसरा है, जिन किसानों की योग्यता के आधार पर सरकारी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश लिया है उनके बच्चे इस योजना का पात्र है, ठीक है। और तीसरा कारण है, ओडिशा सरकार क्या कर रही है, हाल ही में इसके साथ साथ 1050 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं को भी शुरुआत किया है, ठीक है, उतना भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ओडिशा की बात आई तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और ओडिशा के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। अच्छा, जब भी ओडिशा आया तो याद रखिएगा ओडिशा में है विल्लर द्वीप, और जिसका नाम बदल के कर दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह भी है, ओडिशा का दुख ब्रह्माणी नदी है, और ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उतना भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्यों की बजटीय प्रथाओं में असम अव्वल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट आई है, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र में, असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिकों का बजट प्रकाशित किया है, और असम सरकार 17 जिलों में बजट जागरूकता अभियान चलाने वाली भारत की पहली सरकार बनी है। हालांकि इसके बाद में आंध्र प्रदेश, ओडिशा थे, मेघालय, मणिपुर, पंजाब ये स्थान थे, लेकिन नंबर वन पे हमारा जो राज्य है वो याद रखिएगा आप लोग, असम राज्य है। अच्छा, असम ने की रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है, तो इसका हेड ऑफिस है बर्लिन जर्मनी में, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में आपकी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, बात असम की हो रही है तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्वानंद सोनोवाल, और असम के जो राज्यपाल है उनका नाम है आपका, असम का राज्यपाल, चलो मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है, आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, इन ऑप्शंस में बताइएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है जगदीश मुखी, दूसरा ऑप्शन है BD मिश्रा, और तीसरा ऑप्शन है गंगा प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं,
ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ दोबारा मैं आपको, गंगा प्रसाद, बी डी मिश्रा और आपका है जगदीश मुखी, ठीक है, इतने ऑप्शन याद रखने हैं। अच्छा, असम की बात आई है आपकी, तो असम में भारत का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो कि नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। असम में ही डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी ट्रेन भी चलती है, विवेक एक्सप्रेस, वो भी आप याद रखिएगा। असम में भारत में सर्वाधिक चाय भी होती है, उतना भी आप याद रखिएगा। चलिएगा, इतने क्वेश्चन हमें जानने हैं, इतने ही क्वेश्चन थे हमारी आज की वीडियो के। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।